बंगाल में चक्रवात रेमल का देखने लगा असर, एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात, 5 अतिरिक्त टीमें स्टैंडबाय पर। दिल्ली के कृष्णनगर इलाके में एक और आग की घटना, 3 की मौत और 10 घायल। चंडीगढ़ में लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए आज पंजाब जाएंगे केजरीवाल। प्राइवेट सेक्टर में भी होने चाहिए आरक्षण की व्यवस्था, बोले तेजस्वी यादव। दिल्ली के विवेक विहार बेबी केयर सेंटर में आग लगने से 7 बच्चों की मौत, 5 अस्पताल में भर्ती। शनिवार को हुआ अब तक का सबसे कम मतदान, 61.20 रहा वोटिंग का आंकड़ा। बांग्लादेशी सांसद मोहम्मद अनुवारुल की हत्या के मामले में पश्चिम बंगाल पुलिस चला रही सर्च ऑपरेशन। वानुअतु द्वीप समूह में महसूस हुए भूकंप के झटके, 6.4 रही तीव्रता। यूपी में शाहजहांपुर में डंपर ने बस को मारी टक्कर, 11 लोगों की मौत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज हिमाचल के ऊना और नाहन में करेंगे जनसभा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार में 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। पीएम नरेंद्र मोदी आज यूपी के मिर्जापुर में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। सीधी में 7 छात्राओं से रेप के आरोपी के घर पर चला बुलडोजर। राजकोट अग्निकांड में 5 सदस्यीय एसआईटी का गठन। कानपुर में माफियाओं के ठिकानों पर छापे मारे, विदेशी पिस्तल और गोलियां बरामद। पाकिस्तान के पंजाब में ईसाई परिवार पर हमला, कुरान के अपमान का आरोप, भीड़ ने तोड़फोड़ की। इसराइल में तेल अवीव में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस बल ने किया तितर बितर। अमेरिका में पर्सनल असिस्टेंट ने सीईओ की हत्या, कंपनी से चुराए थे 3 करोड़ रुपए, गर्लफ्रेंड से चोरी छिपाने के लिए किया था मर्डर। चीन की ताइवान को जंग की धमकी, कहा जब तक ताइवान हमारा हिस्सा नहीं बनता सैन्य कार्रवाई करते रहेंगे। सीएसएस फाउंडर कैसे समाज सेवा के साथ दे रहे एक संदेश, मेड इन इंडिया के सपने को कर रहा है साकार। पर्यटन को बढ़ावा देकर आमदनी बढ़ाने की तैयारी कर रही सरकार, धार्मिक पर्यटन से आया इतना राजस्व। सोनी इंडिया के एमडी और सीईओ एनपी सिंह देंगे इस्तीफा, 25 वर्षों से जुड़े हैं कंपनी के साथ। पीएमओ में काम करने वाले पूर्व नौकरशाह होंगे आईसीआईसीआई बैंक के नए पोस्ट टाइम चेयरमैन, आरबीआई ने दी मंजूरी। जून में 10 दिन बंद रहेंगे बैंक। दिवालिया कंपनी गो फास्ट का संकट बढ़ा, इजी ट्रिप के मालिक ने बोली वापसी ली। आईपीएल फाइनल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद, दोनों टीमें पहली बार किताबी मुकाबले में भिड़ेंगे, कोलकाता चौथी और हैदराबाद तीसरी बार पहुंची। कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के 24 प्लेयर का रिपोर्ट कार्ड, दोनों टीमों के बीच ट्रेविस हेड के सबसे ज्यादा रन, कोलकाता के चक्रवर्ती विकेट में आगे। आईपीएल 2024 के फाइनल की फैंटासी 11 नटराज, फाइनल से पहले श्रेयस ने मेंटर गंभीर को बेस्ट बताया। आईपीएल फाइनलिस्ट में भारतीय वर्ल्ड कप टीम का कोई खिलाड़ी नहीं, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के 3-3 खिलाड़ी।